but I'm not green. I'm not widow. What the hell am I doing here? I don't belong here, but I'm not green. I'm not widow. What the hell am I doing here? तो दोस्तों, आज इन ओनिजा कुआ का एक नया वीडियो में आज का एक जबरदस्त आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मेरा गेस्ट है मिस्टर अमृतायन गोस्वामी। हाय। हु इज वेरी नॉट ओनली इज अ डिस्कस हॉबिस्ट बट अभी ही इज कम इनटू सेल्स एज वेल। काफी दिन से डिस्कस में है जो कि ये एक सिंगर और म्यूजिशियन भी है, जान लीजिए। But I'm not green. I'm not widow. So that is not a professionally, right? वो as a passion. तो आज का हमारे topic है discus का disease prevention, potassium permanganate, PP bath and PP drip treatment. तो अमृतन, ये बोलिएगा कि ये डिस्कस का इतना तरह का डिजीज हम लोग जो होते हैं, प्रिवेंट अगर कर ले तो फिर क्योर करने का, क्योर करने का जरूरत। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इन दैट केस आपका ये प्रिवेंशन हम लोग किस किस तरह से डिस्कस का डिजीज प्रिवेंशन कर सकते हैं? देखिए, डिस्कस का डिजीज प्रिवेंशन में पीपी का एक बहुत बड़ा मतलब संयोग है। एट फर्स्ट आपको चेक करना है गुड क्वालिटी वाटर। आपका वाटर क्वालिटी में नाइट्रेट अमोनिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीएच ठीक ठाक रहना चाहिए, नॉर्मल जो साइफून है उसको देना चाहिए। और उसके साथ आपको मेंटेन करना है गुड क्वालिटी फूड, फूड का क्वालिटी, ओवर फीडिंग नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर में रखना चाहिए, सही सोर्स से सही डिस्कस को चुन के खरीदना। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। डिजीज वाला डिस्कस अगर आप लाओगे, डिस्कस का बहुत सारे डिजीज है विच इज कॉन्टेजियस, यानी एक डिस्कस में आप कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो पूरा टैंक आपका सब डिस्कस बर्बाद है। डिस्कस का सिलेक्शन भी, वो सिलेक्शन में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट। एक डिस्कस आप गलती से लाया जिसका शायद आप ट्रेस नहीं कर पाए, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन था, पूरा आपका टैंक शायद आपका बर्बाद। ये तो अगर अगर कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी में बहुत सारा फीसेस रहेगा तो उसमें भी वो इफेक्ट करेगा, टोटल टैंक कंटामिनेटेड होगा इंक्लूडेड। अगर वो गुड क्वारंटाइन फिश नहीं है तो उसमें बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है, आपको वो झेलना पड़ेगा तब। एग्जैक्टली, ये एक इशू है। और आपको ये गुड क्वालिटी डिश को, फिश को देखना है, गुड क्वालिटी जो फिश है उसको सोचना है, देखने खरीदने से पहले बारीकी से उसको ऑब्जर्व, हाँ, ऑब्जर्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर अगर आपको पहचान है गुड क्वालिटी का डिस्कस को तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आप ये कौन सा वाला फिश को आपके कम्युनिटी टैंक में रखना चाहते हैं। आपका कम्युनिटी टैंक में एक साल से डिस्कस है, पुराना डिस्कस है, वो सीजन डिस्कस है, और एक नया फिश लाए जो वीक है, इसमें बहुत सारा डिसीज पहले से अफेक्टेड है, तो आपका टैंक में वो इफेक्ट करेगा। एक पीपी बात के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं वही से स्टार्ट करना, वो इंटररिलेटेड है, इंटररिलेटेड है, इसमें प्रिवेंशन में ही इंटररिलेटेड है। इंटरेस्टिंग, इंटररिलेटेड कैसे? तो है क्या ये हर हॉबीज के लिए भी एप्लीकेबल है, और जो जिसको प्रोफेशनली जो करता है वो तो करता ही है, उन लोगों के लिए भी तो है ये। वीक में वन टाइम जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग कर सकते हैं पीपी बाथ देना, वो पॉसिबल रहेगा सभी के लिए जो प्रोफेशनली जो लोग डिस्कस करते हैं। पीपी बाथ, पीपी बाथ प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल के लिए, एज अ प्रो पर्सन, जो लोग सेलर में लिए, और जो लोग हॉबिस्ट है उन लोग के लिए, हॉबिस्ट के लिए है 15 डेज में एक। But do you think it's a necessity? मैंने तो कभी नहीं किया। मैं necessity में क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर
आपका टैंक जो टैंक का जो साइड जो अंदर का जो टैंक का ये है स्पेस है उसको क्लियर रखना है, आपको क्लीन करना है। एक दो दिन के अंदर जो छोटा सा एल्गी आता है वहाँ पे, जो वो उस एल्गी को क्लियर करना है, वो इंक्लूडिंग दैट अगर ये पीपी बात आपका कंटिन्यूसली 15 डेज में एक बार रहेगा, या फिर आप अगर आपका फिश अच्छा रहता है समर टाइम में तो आप मंथली एक बार भी दे सकते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि अगर कुछ भी बैक्टीरिया पैरासाइट ग्रो करे तो वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो इफेक्ट नहीं करेगा आपके फिश को। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है कि ओमनी प्रेजेंट होता है टैंक में, आप जैसा भी क्लीन करें वैसे वो है टैंक में, वो इफेक्टिव भी नहीं है लेकिन वो फिश के मेटाबॉलिज्म के साथ हर वक्त उसका लड़ाई चलता रहता है। फिश का मेटाबॉलिज्म जब तक विनिंग में है फिश अच्छा है, जब वो हार जाएगा फिश को इफेक्ट कर देगा, तब इसमें वो इंटरनल पैरासाइट भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसके लिए एक पीपी बद देने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है आपके टैंक में वो बैक्टीरिया ग्रो होने से थोड़ा बहुत घट जाएगा, पूरा एकदम रुकेगा नहीं लेकिन घट जाएगा, उसका जो बैक्टीरिया ग्रोएशन जो है उसका स्लो हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और आप सॉल्ट यूज़ कर ही रहे हैं रॉक सॉल्ट, उसमें भी वो डिहाइड्रेट होगा, इंक्लूडिंग दैट होगा कि आपका फिश स्ट्रेस में नहीं आएगा, कंफर्टेबली रहेगा, बैक्टीरिया डिहाइड्रेटेड रहेगा, इंक्लूडिंग थोड़ा बहुत बैक्टीरिया कम भी हो जाएगा, प्रिवेंटिव आपका जो क्या बोलते हैं उसका बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है फिल्टर में वो क्रिएटेड रहेगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा थोड़ा बहुत, तो आपका टैंक अल्टीमेटली गुड रहेगा। क्योंकि आप जो पीपी एक बोल रहे हो एक अहम रोल अदा करता है वो, तो आप यानी आप पीपी आप डाल रहे हो तो यूज कर रहे हो तो उसका किस तरह से यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, कितना यूज करोगे, ये भी हॉबिस्ट को जानना चाहिए। हाँ, जानना चाहिए। ये जरा बोलेगा ना पीपी दो तरह से यूज होता है, एक है बाथ होता है और एक है आपका ड्रिप, एक ड्रिप होता है, तो पहले थोड़ा बाथ ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ा। हाँ, बाथ ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए एक हॉबिस्ट को, पहले आपको एक जगह पे मतलब एक बॉटल लेना है, 2 लीटर्स का बॉटल लीजिए आप, उसमें पूरा पानी भर लीजिए, भरने के बाद जो पीपी आईपी में आता है मेडिसिन शॉप से वो वाला जो पूरा पैकेट है पूरा खरीदे, एक पैकेट पूरा कट ऑफ करके उसमें डाल दीजिए, पूरा 2 लीटर में, 2 लीटर में पूरा डाल दीजिए। डालने के बाद उसके ऊपर जो कैप है उसमें एक छोटा सा पिन कर लीजिए, उसमें छेद हाँ करके, फिर उसको वैसे ही डालना है जैसे जितना वो ड्रिप से पड़े, ड्रॉप वाइज जैसा पड़ेगा, एक ड्रॉप हाँ मतलब स्क्वीज करके जितना निकले उतना आपको चेक करके देखना है, और टैंक का एरेशन थोड़ा बढ़ाना है। एरेशन बढ़ने से एक फ़ायदा होगा, क्या वो पूरा टैंक में घुल जाएगा। अब घुलने से आपको एक चीज़ में बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि एक चीज़ कि जब वो टैंक में घुल रहा है तब उसका जो कलर है वो लाइट पिंक तक ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लाइट पिंक तक उसका कलर आने से आप रोक दीजिए, उसके बाद और मत जाइए। तो यानी आप बोल रहे हो इसका कोई सही तरह से नहीं, इसका डोजेस नहीं है, बात में कुछ नहीं है, आप हल्का पिंक हुआ है आपका वाटर ये देखते से ही चल जाएगा। और ये कितना टाइम तक रखना पड़ेगा कि मतलब आप उसके साथ जो आपका इंटरनल टैंक साइज है वो आप क्लीन कर लीजिए हाथों से, अंदर जो जितना भी जैसा है पूरा टैंक साइज है, जो ये जो साइज का ग्लास का जो कोना होता है वो भी प्रॉपरली क्लीन कीजिएगा, कोना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, जो दोनों टैंक का जो कोना होता है वैसे टाइप का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो होता है, वो पूरा क्लीन करना चाहिए। वो पीपी करने के टाइम में फिश रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, 15-20 मिनट्स उसको रखिए, फिर उसमें आप 80% वाटर चेंज कीजिए, सिर्फ 15-20 मिनट हाँ कोई एक दिन नहीं एकदम नहीं, लॉन्ग टाइम नहीं रखना है,
20 मिनट आधा घंटा तक आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फिश को कुछ भी कोई स्ट्रेस नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और प्रो लोग इसको तो देखिए प्रो टाइम थर्ड टाइम तो करना दरकार नहीं, एक ही बार हाँ 80% वाटर चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट डे फिर वाटर चेंज कीजिए। और एक बात है, अगर आपको लगे कि ज़्यादा पानी फिर व्हाइट मतलब क्रिस्टल क्लियर, जो व्हाइट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा 80% 20% में तो वो पीपी है, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, थोड़ा धुंधला रहेगा पानी, थोड़ा धुंधला रहेगा, इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, फिश खराब हो जाएगा ऐसा नहीं है, नहीं होता है, ठीक रहता है फिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि आप देने में थोड़ा ज़्यादा हो गया है पीपी, तो हो सकता है पीपी थोड़ा बहुत बर्निंग के वजह से उसका स्किन में कुछ इफेक्ट आ सकता है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे उसमें, तभी कोई अलग से सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे न्यू वाटर डालने के बाद, क्योंकि उसमें जो बर्न होगा वो बर्न को वो सॉल्ट थोड़ा मतलब क्या बताए उसको सेंसेशनल कर देगा, प्रॉब्लम आ जाएगा फिर उसमें। अच्छा, अब फिर हम लोग आते हैं, दिस कम्स टू द एंड ऑफ द पीपी बाथ, अब फिर आते हैं पीपी ड्रिप सिस्टम, ड्रिप ट्रीटमेंट। देखिए ये पीपी का ड्रिप सिस्टम तो बहुत बहुत भयंकर चीज है, जो कि मैं बोलूंगा नॉर्मली कोई एकदम जो डिस्कस कीपिंग में नया हो वो लोग ना ही करो तो बेहतर, फिर भी आप जान लीजिए कि इसका डोजेज एग्जैक्टली क्या है। डोजेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोजेस में आपको एकदम पूरा जो वाटर क्वांटिटी है पूरा मेज़र करके डालना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप ड्रिप करें, एक टब में भी कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल छोटा टैंक में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल टैंक में। अच्छा, एक पकड़ लीजिए एक बड़ा सा मॉग एंड ऑल दैट, आई थिंक वो ज़्यादा छोटा नहीं, वो उसमें स्ट्रेस में जाएगा डिस्कस, वो अच्छा नहीं रहेगा। एक टब लीजिए या फिर और आपको लगे कि वो जंप कर सकता है तो आप एक हॉस्पिटल टैंक में ड्रिप कर सकते हैं। हॉस्पिटल टैंक में पानी का रहेगा 80% जो पानी रहेगा, मतलब 80 लीटर जो पानी रहेगा, 80 लीटर पानी आपको देना है या फिर 60 लीटर का पानी देना है। अगर 60 लीटर का पानी देना है तो उसमें आपको 1.5 to 2 mg का ये देना है पीपी। अच्छा, तो ये बोलिएगा कि ये जो 1.2 मिलीग्राम इसको मेजर करना बहुत क्या बहुत, कौन सा चीज़ से वो मेजर करेगा, ये बहुत परेशानी की बात है। अगर मेडिसिन शॉप में कुछ ऐसा मिलेगा तो आप इसको मेज़र कर सकते हैं 1.2 को, और या फिर आप 2 ग्राम्स को मेज़र करके वैसे आपको घटाना है। अगर ये प्रो पर्सन करेगा तो इसमें भलाई है, न्यू कॉमर्स न्यू हॉबीज नहीं करिएगा, एकदम मेरा रिकमेंडेशन नहीं है इसमें कि ड्रिप कीजिए। अगर डिस्कस का वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक में जाइए, ये ड्रिप में मत आइए। अगर ड्रिप करना है तो प्रो लोग ही करिए। अच्छा, और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जब आप ये 1.2 mg आप बोल रहे हो कि आप तो कभी ना कभी तो कर चुके होंगे, हाँ बहुत दिन तो पहले, आप फिर वो मेजरमेंट कैसे किए? देखिए, मेरा तो घर में छोटा सा वो जो कहते हैं ना सिरप का जो डिब्बा होता है, सिरप का डिब्बा, ठीक है, उसमें थोड़ा उसका ऊपर जो मेजर करने का जो चीज दिया होता है जिसमें खाने का, अच्छा, जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट जो यानी सिरप का ये में कुछ ट्रांसपेरेंट भी एक होता है, इतना मिलीग्राम हाँ उसमें ml में रहता है, वो मिलीलीटर में रहता है। अभी उसको थोड़ा बहुत कम इधर उधर करके हम एडजस्टमेंट करके उसको एडजस्ट करते हैं, ये प्रॉपरली एडजस्ट आप नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, पर तकरीबन आएगा वो मोटा मोटा। तो ये बोले ना, वो जो आप मिलीग्राम बोल रहे हो, हाँ, तो इसको आप कोई भी एक हॉबीज वो फिर कैसे उसको मेजरमेंट करो, हाँ ऑनलाइन में मेजरमेंट मिलीग्राम मेजरमेंट का कुछ स्पून मिलता है, उसमें भी कर सकते हैं, यानी वो मिलीग्राम मेजर करने वाला स्पून होता है, स्पेशल स्पून है वो, मतलब उसमें लिखा रहता है कि 10 मिलीग्राम का स्पून है, ये 10 मिलीग्राम ही आएगा उसमें, ठीक है, 5 मिलीग्राम का है ऐसे करके ही आएगा। अगर उसमें 2 मिलीग्राम का मिल जाए तो आप 2 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं रहेगा ड्रिप में, क्योंकि ड्रिप का टाइम बहुत शॉर्ट होता है,
अच्छा तो ये फिर कितना टाइम वो फिर ये ड्रिप ड्रिप का टाइम बहुत शॉर्ट होना है, बहुत ही शॉर्ट, मतलब ऑक्सीजन चलाना तो मस्ट, हाँ मस्ट है, स्ट्रेस में रहता है, हाँ स्ट्रेस में रहता है, अगर आपको लग रहा है कि हाई ऑक्सीजन लेवल्स आपको, हाँ आपको नेटिंग करके उस फिश को वहाँ पे डालना है, और अगर आपको लगे कि वो फिश वहाँ पे नेट के ऑफ करके नेट से बाहर निकल के रखना है वो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नेट में रखना है तो नेट पे भी रखे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मत रखिए उसमें, उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम पर रखिए और उसको उठा लीजिए। उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया बहुत ग्रो हो गया है किसी फिश में, फिर भी कितना टाइम मोरलेस मैक्स टू मैक्स हाफ मिनट, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से कोई कोई शायद, वो भी क्या बहुत बड़ा डिस्कस हुआ तो शायद यू कैन गो फॉर वन मिनट वो भी, लेकिन वो रखना नहीं टाइम लोगे या बहुत ज्यादा ओवर डोजिंग कर दोगे तो पीपी बर्न होगा, पीपी बर्न हो जाएगा, जल के वो जल जाए, ये बहुत ही रिक्सी ट्रीटमेंट है, बहुत ही प्रो पर्सन के अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई हॉबीस्ट इसको कोशिश करे कि डिस्कस को ऐसे ट्रीटमेंट देने के लिए, ये उन लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हो जाएगा, डिस्कस ख़राब भी हो सकता है, मर भी सकता है। इसके लिए आपको अगर लग जाए कि, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये पीपी बात के अलावा भी डिस्कस का कुछ भी डिसीज रह गया है तो आप उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि ये जो पीपी ड्रिप आप ट्रीटमेंट दियो, ये तो मेरे ख्याल से एक बार वन टाइम के लिए तो बिल्कुल ये नहीं है, नहीं पीपी ड्रिप चलेगा 3 दिन तक, 3 डेज पीपी विद ड्रिप ट्रीटमेंट चलेगा, 3 दिन हर दिन में एक ही बार, डे वन टाइम अ डे, 3 डेज चलेगा पीपी ड्रिप, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है एक फिश के लिए, स्ट्रेस भी आएगा फिश में, ये बहुत रिक्सी ट्रीटमेंट है। और आई थिंक जब आप मानो जो ये ड्रिंक कर रहे हो ये ड्रिप सिस्टम में, तो आप पहला दिन जब ट्रीटमेंट किए डेफिनेटली वो पानी को आई थिंक पूरा का पूरा ही फिर फेंक देना है, हाँ पूरा फेंक के फिर नया पानी में फिर से आपको पीपी आपको देना है वही डोज, हाँ, 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 तो फ्रेंड उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे, एनी फर्दर क्वेश्चंस यू डेफिनेटली कैन कमेंट टू मिस्टर अमृतायन, और बोलेंगे एक ऑफर आ रहा है आपके लिए फ्रॉम मिस्टर अमृतायन गोस्वामी, दैट इज अगर आप मेरा चैनल ऑनी चाकुआ को सब्सक्राइब करते हो और साथ ही साथ आप मुझे ये वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा या तो मुझे मैसेंजर में भी आप मैसेज कर सकते हो, तो आई विल बी गिविंग यू अ स्पेशल डिस्काउंट कोड, जो कोड आप मिस्टर अमृतायन को दिखाने पे आपको मिल जाएंगे अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% डिस्काउंट। और आपका नंबर जरा बोल दीजिएगा। मेरा नंबर है 9007921312, ये 24 hours अवेलेबल नंबर है, अगर कोई भी क्वेरीज रहेगा आप कर सकते हैं मुझसे, अगर आप फिश लेना चाहे तो भी कर सकते हैं, अगर फिश का कुछ डिटेल्स में जानना चाहे वो भी कर सकते हैं। ओके, एंड आपका लोकेशन क्या होगा? लोकेशन है बाली बाज़ार, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दक्षिणेश्वर, और बस स्टॉप है बाली बाज़ार, और बाली बाज़ार से आके 5 मिनट्स ऑफ टोटो और या फिर रिक्शा में आप आ सकते हैं, छोटा पोस्ट ऑफिस गोस्वामी बाड़ा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा, या तो कुछ समझ में नहीं आया तो मिस्टर अमृतायन को यू कैन डेफिनेटली गेट बैक, यू कैन डेफिनेटली कॉल हिम एज वेल। तो फिलहाल मिस्टर अमृतायन को धन्यवाद कहते हुए मैं आप लोग से विदा लूँगा। थैंक यू। चलने से पहले ये बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, हम लोग थोड़ा उनका म्यूजिक का थोड़ा मजा लेते हैं। सो टिल देन बाय, टाटा। व्हेनेवर बिफोर गुड लुक इन योर आईज, यू आर जस्ट लाइक एन एंजल, skin make me cry, you float like a feather in a beautiful one, I wish I was special, you're so
special, but I'm not creep, I'm not widow. What the hell am I doing here? I don't belong here.